भुने गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल लगाया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये तेज़पात दो, फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया है, फिर अब मैं डाला दालचीनी का टुकड़ा, फिर छोटी इलायची, अभी एक बड़ी इलायची, और अब मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा ये काली मिर्चें 8 से 10, लौंगे 2-3, और ये फिर उसके बाद मैं ये प्याज ऐड कर रही हूँ इसमें चॉप हुई भी, 1 से 2 प्याज आप ले लीजिएगा इसमें। अब इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे, प्याज को जलाना नहीं है बिल्कुल भी, ट्रांसल्यूसेंट कलर होने तक इसे हम इसमें स्टर फ्राई करेंगे ऑयल में। और अभी मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, बाकी का मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ मैंने नमक डाल लिया जिससे ये जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाएगी। नमक को मैं इसी टाइम मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच ले लिया है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और तेल, क्योंकि मुझे वो तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो प्याज जो है हमारी ज़्यादा तेल में ही अच्छी फ्राई हो पाती है। फिर अब मैंने इसमें यहाँ पे गोश्त ऐड कर दिया है, अगर आप यहाँ पे चिकन का बनाना चाहें तो उसमें सीटी मत दीजिएगा, वैसे ही गल जाता है। यहाँ मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, जब तक ये कम्प्लीटली एकदम भुन नहीं जाएगा अच्छे से मसाले ही रहूँगी। अब मैंने इसमें चॉप टमाटो ऐड किए हैं, यहाँ पे मैंने 3 टमेटोज लिए हैं, इसे भी मैं अच्छे से इसके साथ डालकर भून लूँगी। और इसे आपको इसी स्टेज पर काफ़ी तेज़ आँच पर और अच्छे से भूनना होगा, तभी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैंने यहाँ पर इसमें 3 हरी मिर्चों को बीच में से तोड़कर हाथ से डाल दिया है, और मैं इसे इसी तरीके से कंटिन्यूसली कुक करती रहूँगी। यहाँ मैंने इसे सीट वेसल लगानी है, लग चुकी है, देखिए गोश्त तैयार हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये गल गया है या नहीं, गोश्त काफ़ी अच्छे से गल गया है। तो यहाँ से 4 से 5 वेसल लगाई थी मैंने इसमें, और यहाँ फिर से इसे पानी और टमाटर ने हमारे छोड़ दिया था, तो एक्स्ट्रा हमें कोई भी पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और मैं इसी तरीके से इसे पका लूँगी ढककर थोड़ी देर, जब तक कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जैसी मुझे चाहिए वैसी नहीं हो जाए। आप इसमें हरा धनिया भी या चॉप कर सकते हैं बाद में ऊपर से, उसका फ्लेवर और उसकी फ्रेग्रेंस दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ तेल मैंने इसमें मिला दिया है, और ये हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको पकाना है, मुझे इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखना था तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी देर तक सीटी निकालने के बाद भी पकाया है। तो यहाँ मेरा सालन रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छे से भुन चुका है, ये कलर टेक्सचर बहुत प्यारा है। ये मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, यहाँ मैंने इसे एक बोल में सर्व किया है, और आप इसे नान, रोटी, रुमाली रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक यू।